नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं। दीपावली के बाद कभी वो शपथ ले सकते हैं। ऐसे में आज हम मौजूद हैं नीतीश कुमार के घर में। आप चौंक गए होंगे ये सुनकर कि नीतीश कुमार का घर क्या एक अन्य मार्ग में इस वक्त हम हैं। जी नहीं, हम उस घर में हैं जहाँ पर रहकर नीतीश कुमार ने अपनी पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बरामदे में हैं। ये बरामदा किस तरीके से, जैसे पुराने ज़माने में घर बनता था, उस तरह से ही इसके रेलिंग्स में डिज़ाइन है। और अगर हम देखें नीचे तो आंगन है, घर में एक आंगन भी है। और यहाँ साइड में जहाँ रेलिंग है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं पूरे घर में। के बाहर जो है वो हरी भरी जो पेड़ हैं, पेड़ की शाखें हैं, वो अभी भी उसी तरीके से हैं जैसे पहले थे। और अब हम आपको लिए चलते हैं इस घर के अंदर। तस्वीरें आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार, कहा जाता है कि बिहार में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बिहार को विकास की पटरी पर लाने का उन्होंने काम किया। और ऐसे में ये पूरा घर उस बात की गवाही देता है जहाँ नीतीश कुमार रहे। ये घर उनकी बहन का घर है, पटना के राजा पुल के पास स्थित ये घर उनकी बहन का है। और ठीक उसके बगल में वो कमरा जहाँ नीतीश कुमार रहते थे, पढ़ते थे, आराम करते थे, खाना खाते थे, इसी घर में वह बड़े हुए। और उसके बाद यहाँ से निकलकर राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। मुख्यमंत्री बने, पहली बार 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री क्या बने, लगातार सत्ता में वो काबिज रहे, लोगों का जनमत उन्हें प्राप्त रहा। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एंट्री हो तो गई, लेकिन उनका वो कमरा आज भी वैसा का वैसा ही है। हम कमरे के अंदर हैं और हम आपको दिखाएंगे। ये पलंग है जहाँ नीतीश कुमार सोया करते थे, वो मेज़ जहाँ वो किताबें रख कर पढ़ा करते थे, वो पुराने जितने संजोए हुए एक से एक स्टैचूज़ हैं, मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी, वो आज भी अलमारी में वैसे ही रखी हुई है। वैसे ही एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, कैलेंडर टंगा हुआ है। और यहाँ लंबे अरसे से रखी गई बहुत सारी पुस्तकें, फाइल्स, चिट्ठियाँ, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान के कागजात, जब वो पहली बार विधायक बने थे, वो तमाम चीज़ें हैं। आप तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से, ये साफ साफ आपको इन तस्वीरों में दिख रहा होगा। विधानसभा के कागजात हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग हो, चिकित्सा शिक्षा विभाग का जितना जो लिखा जोखा है वो सभी इसमें रखा था। इसके अलावा आश्वासन समिति की ये जो कागजात हैं वो भी हैं। साथ में एक यहाँ पर ब्लू कलर की जो ये डायरी है छोटी सी, वो हमारे हाथ लगी है। इस ब्लू डायरी में हर चीज़ लिखा हुआ है, हर वो हिसाब लिखा हुआ है, अनाज का, कपड़े का, क्या खर्चा क्या होता था। क्योंकि नीतीश कुमार काफ़ी शांत रहने वाले में से हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, सभी चीज़ को संजो कर रखते हैं, हर चीज़ का हिसाब वो रखते हैं। और शायद वो शुरू से ही उनकी आदत रही है, इसी सोफे पर बैठ कर उन्होंने जब सियासत में एंट्री मारी थी उस वक्त भी यहाँ बैठा करते थे, उससे पहले भी यहीं बैठकर लोगों से मुलाकात करते थे, मिलते थे। ये अलमारी है जिसके अंदर गर्म कपड़े उनके कुछ रखे हुए हैं संजोकर। यहाँ भी अंदर में कुछ पुस्तकें हैं, कुछ सजावट के सामान हैं। उनके जो भांजे हैं राजू जी, इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू जी, सुना है आप खुद इस घर को साफ करते हैं? हाँ, साफ करते हैं। आप खुद साफ करते हैं, कैसा सफ़र रहा, क्या कहते थे उन्हें आप, क्या कहते बुलाते थे? मामा कह के बुला। मामा हाँ। कौन मामा? नीतीश मामा नाम नहीं लेते थे, मामा कह के मामा कहते थे, मुन्ना मामा कहते थे। नहीं, वो तो था ही, लेकिन हम नाम नहीं लेते मामा। अभी भी घर को ऐसे ही साफ सफाई रखा रहता है डेली डेली। जब वो पढ़ते थे तभी यहाँ बैठते थे, एमएलए बने तभी यहाँ बैठते थे। हाँ, आते थे, मतलब फ्लैट में कम रहते थे। हाँ, फ्लैट में कम रहते थे। बहन के साथ प्यार शुरू से वैसा ही रहा, परिवार से वैसा ही रहा जी, लेकिन बोलते बहुत कम थे शुरू से। तो कम बोलते, कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, उनको तकलीफ हो तो भी नहीं बताते। नहीं बताएंगे। रेल मंत्री बने, फिर केंद्र में और मंत्रालय मिला हुआ है, तो आपको घुमाया है? रेल मंत्री बने थे तो वहाँ बने आए तो सबसे पहले यहीं आए, पहले यहीं आए, एयरपोर्ट से उतर कर सबसे पहले यहीं है। यहीं खाना खाए? हाँ, यहीं है। खाना भी बड़ा सिंपल खाते हैं। हाँ, सिंपल खाना। सादा खाना खाते हैं, दाल चावल। हाँ, दाल चावल रोटी। किताबें या फाइलें कब से पढ़ी हुई? जब कहे ना कि जब से वो रहते थे जब से वो पढ़ी हुई है, जब विधानसभा का सवे थी है। अभी भी आते हैं तो
फाइल जरूर देखते हैं, फाइल जरूर आते हैं तो यहाँ आते जरूर। हाँ देखिए वो यादें वो किताबें संजोक रखी हुई हैं गंगा के तट पर। पटना में बसा हुआ ये घर आप सामने देख सकते होंगे, जो मरीन ड्राइव बन रहा है उसकी भी झलक की खिड़की से दिख रही है। पहले इतना विकसित नहीं था बिहार, लेकिन लगता है जब इस खिड़की से वो देखते होंगे उन्होंने सोचा होगा कि सामने में भी विकास दिखना चाहिए। अपार्टमेंट्स तो बन ही रहे हैं, सामने वो मरीन ड्राइव बन रहा है, ठीक उसके बाद गंगा नदी है। तो ऐसे में यहीं से शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने अपने शिक्षा में, जब वो आए थे शिक्षा ग्रहण करने लगे थे और फिर यहीं से वो पढ़ाई किए आगे बढ़े और फिर वह सत्ता के गलियारों में पहुँचे। लेकिन आज भी वो अपने इस गलियारे को नहीं भूलते हैं जहाँ पर उन्होंने अपना युवावस्था बिताया है, जहाँ पर से उन्होंने अपना राजनीति जो करियर है उसको की शुरुआत की है। तो आप लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, उनके घर की तस्वीर हमने दिखाई है, वही आंगन वही सब कुछ, डेंटिंग पेंटिंग होती है, नया जैसा ही दिखता है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, सातवीं बार शपथ लेने को तैयार हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखते हैं बिहार में विकास की जो गाथा नीतीश कुमार ने लिखी है उसे वो और कितने आगे तक ले जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।